दोस्तों, बार बार आपको एक ही बात मैं दोहराता रहता हूँ कि बेशक देश में बेरोजगारी बहुत है, पर हम किसी पे विश्वास करते समय एक मिनट नहीं लगाते। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, जहाँ आपको पैसे की ज़रूरत होती है, जहाँ आपसे कोई लेने आता है, तो आप नहीं देते। पर ये जो एजेंट होते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हो, इनके जो सपने होते हैं, जो लड़कियाँ आपके कॉलिंग करती हैं, कॉलिंग क्यों करती है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर अपना नंबर ड्रॉप कर देते हो इनका पेज देख के, वही होता है ठगी का सिलसिला। ये अपना भाई साहब है, इन्होंने भी MBA तक पढ़ाई की हुई है, फंसे कैसे हैं एक एडवर्टाइजमेंट देख के सोशल मीडिया पे। और बड़ी बात है कि ये तो सिंपल पता करने आए थे, पासपोर्ट रख लिया गया, डॉक्यूमेंट रख लिए गए, पर जब तक इनको पता लगता इनका पासपोर्ट ही गायब कर दिया। जानते हो कि क्या हुआ था और कैसे फंसे थे? क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ओम प्रकाश जी, कितने पढ़े लिखे आप? सर मैंने MBA किया हुआ है। तो MBA करने के बाद आप इस जो कंपनी में आप हमने आपका पासपोर्ट निकलवा के दिया, कैसे फंसे थे? सर एक्चुअल में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनका ऐड देखा और वहाँ पर अपना नंबर ड्रॉप किया। नंबर ड्रॉप करने के बाद में मेरे पास इनकी कॉल आती है और कॉल पे ये मुझे मैं इनको इमिग्रेशन की सारी प्रोसेस पूछता हूँ, तो इन्होंने कहा कि सारी प्रोसेस हम फ़ोन पे नहीं बता सकते, आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। मैं ऑफिस आया और ऑफिस आने के बाद में मैंने इनसे प्रोसेस पूछा, इन्होंने बात की, तो इन्होंने इस तरह से बात की कि ये कहा कि इमिग्रेशन की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, वो आपको जमा करने ही पड़ेंगे, आफ्टर दैट इसकी प्रोसेस चलेगी। तो मैंने अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स इनके पास में जमा किए और मैं फिर यहाँ से चला गया। उन्होंने कहा कि 6 या 7 दिन के बाद में आपको हम कॉल करेंगे, आपका जॉब ऑफर लेटर आएगा। मैंने यहाँ से ये मैंने गलती की कि मैंने पहले इंक्वायरी नहीं की इस कंसल्टेंसी की जो भी है, और मैं घर जाके मैंने इसकी इंक्वायरी की तो मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा कि ये बिल्कुल फ्रॉड कंपनी थी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि आप फंसने जा रहे हो? किसके वीडियो देख के और कैसे? जितेंद्र शमरवाल जी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी और उसे देखने के बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, उनकी बातों पर इतना यकीन हुआ कि हाँ सच में इमिग्रेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है चंडीगढ़ मोहाली के अंदर। तो पासपोर्ट आपका आपको मिल गया? हाँ, मेरा पासपोर्ट जितेंद्र सर ने दिलवाया और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने मुझे वापस करा। कितनी देर में मिल गया? मिनटों में, चंद मिनटों में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, कोई टाइम? मैंने तो सर आपके पास फ़ोन किया था, आपने जो भी सेटलमेंट की वो आपको पता है, और मैंने तो ऑफिस में आया और आपसे ही मैंने उनसे कॉल की, उन्होंने कहा कि सर के पास आपका पासपोर्ट है और मैंने यहाँ पहुँचते ही उसको कलेक्ट कर लिया। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा। दोस्तों, भाई है, MBA तक पढ़े हुए, हाईली क्वालिफाइड है, पर क्या करें, देश में बेरोजगारी है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हिंदी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि पंजाबी जो मेरे दोस्त भाई है उनको तो हिंदी समझ आ जाती है, पर जो ज़्यादा झांसे में फंसते हैं इनके, वो फंसते हैं अपना हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ साइड, हैदराबाद, यूपी, बिहार। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार वाले फंसते हैं। फंसने का कारण क्या रहता है कि जो लड़कियां कॉलिंग करती है, दोस्तों लड़कियां अगर कॉल करती है तो ये दूध की दूली नहीं होती, ये 15,000 रुपये भी आप नौकरी कर रही हैं, ये खुद कैनेडा क्यों नहीं चली जाती? ठगी से बचो और अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंसल्टेंट अगर आपके डॉक्यूमेंट रखने की कोशिश करता है तो अपने डॉक्यूमेंट तुरंत लेके वहाँ से निकल जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्बेसी भी रीजनल डॉक्यूमेंट नहीं रखती। तो ये कंसल्टेंट जिनके पास ना तो कोई मैन पावर का लाइसेंस है, ना इनके पास कोई अधिकार है, क्यों रखती है, आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर अपील करता हूँ, बचो बचो। हम भी कानूनी कार्रवाई करके कंपनी के ऊपर कार्रवाई करवा सकते थे, पर कंपनी को हमने वार्निंग दी है और दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसको इसके लेके कंपनी ने आश्वासन भी दिया है, पासपोर्ट दे गए हैं और कंपनी के खिलाफ हम शिकायत करवाएंगे और कंपनी का लाइसेंस भी चेक करेंगे, अगर इलीगल पाई की तो कंपनी के ऊपर बनता हुआ एक्शन भी करवाएंगे। आपका जितेंद्र सब्बरवाल। और फिर कहना चाहता हूँ कि जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करो, हमारी कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे, 2-3 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, पर अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू। जय हिंद।